आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी चिड़िया और बंदर। एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए तीन चार बंदरों ने उस पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सोचाया, देखो यहाँ कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी हैं, इन्हें इकट्ठा करके हम ढेर लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे, ढेर को कैसे सुलझाया जाए। तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया यह सब देख रही थी। उससे चुप नहीं रहा गया। वह बोली, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं है, यह तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गौरैया की तरफ देखकर गुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रह, हमें सिखाने चली है। इसी बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेली के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेर के नीचे रख दिया गया और चारों बंदर लगे ढेर में फूंक मारने। गौरैया ने सलाह दी, भाइयों आप गलती कर रहे हो, जुगनू से आग नहीं सुलगेगी, दो पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाइए। बंदरों ने गौरैया को फिर से घूरा, आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोल उठी, भाइयों आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम दो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़कर देखिए। सारे बंदर आग न सुलग पाने के कारण खींचे हुए थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर दे मारा। गौरैया फड़फड़ाते हुए नीचे गिर पड़ी और आखिरकार मर गई। दोस्तों ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना मांगे हमें किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए, खासकर मूर्ख व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं।